ज़रूरी नहीं है कि मैं तेरे साथ ज़िंदगी गुजारूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं तेरे साथ ज़िंदगी गुजारूँ, तेरे साथ एक पल जीना ही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि तेरे साथ लूँ मैं सात फेरे, तेरे साथ दिल का रिश्ता ही काफ़ी है। और ज़रूरी नहीं है कि प्यार का एहसास लफ्ज़ों से कराऊँ मैं तुझे, निःशब्द होकर सब कुछ कहना ही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं कि जिस्म पास हों अपने, रूह का करीब होना ही काफ़ी है। और ज़रूरी नहीं कि जैगवार में घुमाओ तुम मुझे, ज़रूरी नहीं है कि जैगवार में घुमाओ तुम मुझे, हाथ थाम तेरे साथ चलना ही काफ़ी है। चाय पे भी काफ़ी चर्चा हो रही, काफ़ी लोग लिखते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी लिख देती हूँ। तो ज़रूरी ये भी नहीं है कि CCD की कॉफ़ी पिलाओ तुम मुझे, ज़रूरी ये भी नहीं है कि CCD की कॉफ़ी पिलाओ तुम मुझे, गुमटी के कुल्लड़ वाली चाय ही काफ़ी है। और वो फायर वाला पान भी नहीं खाना है मुझे, और वो फायर वाला पान भी नहीं खाना है मुझे, समोसे के बिल के साथ वाली सौंफ ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट है बाबू शोना, जो बाबू शोना पे भी काफ़ी चल रहा है ना आजकल, तो मैंने सोचा उस पे भी लिख देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो बाबू शोना कुची कुची वाला प्यार हो अपना, ज़रूरी नहीं है कि वो बाबू शोना और कुची कुची वाला प्यार हो अपना, अपना तो सीधा साधा ओल्ड फैशन प्रेम ही काफ़ी है। अब जो नेक्स्ट है वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसको ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि वो टॉपिक है बलात्कार के ऊपर, जो आजकल देश में काफ़ी हो रहा है, जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, किसी प्रकार का कानून नहीं लगा हुआ है ढंग से, उसके ऊपर है। नारी को अबला मत बोलो, महाचंडिका नाम धरो, नारी को अबला मत बोलो, महाचंडिका नाम धरो, शस्त्र उठाकर दो उसको तुम, कहो सीधा प्रहार करो, गलत निगाहें नोच डालो, गलत निगाहें नोच डालो, बल से खुद को प्रबल करो, बेचारी जैसे शब्दों से समाज नारी को स्वतंत्र करो, चीर हरण सी धर्म प्रथा को दहन करो मत दहकाओ, चीर हरण सी धर्म प्रथा को दहन करो मत दहकाओ, माँ के लालो और दुलारो, दुग्ध कोख को ना लजवाओ, माँ का मन है कोमल सा, माँ का मन है कोमल सा, उस पर वो भी रोता है जब भी उसका राज दुलारा बलात्कारी सा होता है। तीसरा भी थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक ही है, शहीदों के ऊपर लिखा हुआ है, ये शेर है। बासंती चू न छू कर जो सीमा पर बढ़ जाते हैं, हाँ शहीद ही होते हैं जो भारत माँ को गर्वित कर जाते हैं, वंदन सारे तोड़ जाते हैं अपने प्यारे परिवारों से, AK-56 खाकर जो भारत माँ का कर्ज चुकाते हैं। अब एक लास्ट है जो अनुपम से इंस्पायर होके उन्हीं के उस पर लिखा हुआ है, पैरोडिक बोल सकते हैं उसको, अब बताओ क्या करें, मेरा फेवरेट है वो। तो उसके आने से ही दिल्ली निखर गई, अब बताओ क्या करें, एक बार फिर मोहब्बत सर चढ़ गई, अब बताओ क्या करें, और लड़ गई हैं निगाहें फिर से, और लड़ गई हैं निगाहें फिर से उसके यहाँ आने के बाद, फिर जान ये आफत में पड़ गई, अब बताओ क्या करें। बस मैं इसी के साथ फिनिश करूँगी, और थैंक यू सो मच।